हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है इस इंडक्शन कुकटॉप को हम आपको असेंबल करके दिखाएंगे। जो अलग अलग पार्ट है उसको हम आपको असेंबल करके बताएंगे। ये हमारा एक इंडक्शन कुकटॉप का कंट्रोल पैनल डिस्प्ले है, जहाँ हमारा स्विच दिया गया है और इंडिकेटर लाइट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये अप डाउन का है, अप डाउन का, और ये ऑन ऑफ का है। अब यह इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज का है और ये बस टाइमर है, प्रीसेट टाइमर है, और ये फंक्शन है। फंक्शन को दबाएंगे जैसे कि हॉट पॉट है और बर्बिकस, स्टीर फ्राई, सूप, स्टीम बॉयल। इसी प्रकार ये हमारा कंट्रोल पैनल डिस्प्ले है और यह इंडक्शन कुकटॉप का कंट्रोल पैनल डिस्प्ले है। ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप का कॉइल है और जो बीच में सेंटर पॉइंट में दिया है वो टॉप सेंसर है। इसको हम NTC बोलते हैं और इसका वैल्यू है 100K, 100 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है। और यह टॉप सेंसर है, इसको थर्मल सेंसर भी बोलते हैं। इसको चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है। और ये हमारा ये जैक है, 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं यहाँ जैक से। और यह कॉइल का इनपुट पॉइंट है और कॉइल का आउटपुट पॉइंट है। ये हमारा कॉइल का इनपुट पॉइंट है और ये हमारा कॉइल का आउटपुट पॉइंट है। इसमें करीब समथिंग DC 320 वोल्टेज के आसपास रहता है, तभी ये कॉइल काम करता है। 320 वोल्ट DC सप्लाई इनपुट से निकलता है और सेम वोल्टेज आउटपुट में वोल्टेज रहता है 320 वोल्ट के आसपास, और DC सप्लाई देता है। सप्लाई देने के बाद ये कॉइल EMF मैग्नेटिक फोर्स बना लेता है, जिसके कारण ये कॉइल गर्म हो जाता है और बर्तन को, पॉट को गर्म करता है। ये हमारा कॉइल का फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं, और बीच में 100K का NTC लगा है, सेंसर लगा है जो बर्तन को सेंस करता है, उसको बोलते हैं थर्मल सेंसर भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू है 100K का सेंसर है, और जो वाइट है वो हीट सिंक कंपाउंड यूज किया जाता है, ताकि ये ज्यादा गर्म ना हो, इसी कारण हीट सिंक पेस्ट यूज किया जाता है। और यह इंडक्शन कुकटॉप का कॉइल है। ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप का फैन है, जो कि यह कूलिंग का काम करता है। जब इंडक्शन कुकटॉप अधिक गर्म हो जाता है तो ये ठंडा करने का काम करता है, और यह DC 18 वोल्ट में काम करता है। हम इसको, इसका सप्लाई DC 18 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो काम करता है और पल्स के रूप में काम करता है। कंटिन्यू वोल्टेज नहीं आता इसमें, पल्स के रूप में आता है वोल्टेज, उसी के हिसाब से काम करता है। और यह इंडक्शन कुकटॉप का फैन है। और यहाँ जैक से हम
18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जो रेड वायर है वो प्लस का है और ब्लैक वायर है वो माइनस का है, इसी के हिसाब से सप्लाई देते हैं। ये हमारा एक इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसमें मेन कंपोनेंट है उसी के बारे में बताऊंगा, और मैं इसका डिटेल कंपोनेंट के बारे में जल्द ही इसका वीडियो लाऊंगा। तो सबसे पहले आता है मेन कंपोनेंट में माइक्रो कंट्रोलर आईसी। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी है और यह 16 पिन की आईसी है, और जो कि 8 पिन की आईसी है वो बाइपर 12A आईसी है, और यह फैन की जैक है जो कि 18 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलता है, और यह कंट्रोल पैनल डिस्प्ले है का जैक है, और यह थर्मल एंड टॉप सेंसर का जैक है जो कि इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई आता है, और ये हमारा बजर है जो बीप के साउंड आता है, और यह एक फ्यूज है। इसमें करीब करीब 10 एम्पियर का फ्यूज लगा सकते हैं, और बैक साइड में है बस IGBT और एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, आप देख सकते हैं। ये IGBT है जिसमें गेट इमीटर कलेक्टर पॉइंट होता है, और एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें 4 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट एसी का होता है, 2 पॉइंट डीसी का होता है, और ये पीसीबी का बैक साइड का ट्रैक है, और ये कॉइल का इनपुट पॉइंट है, और ये आउटपुट पॉइंट है कॉइल का। इसमें मेन कंपोनेंट इतने ही लगे हैं। अब हम आपको इस सभी कंपोनेंट को असेंबल करके दिखाएंगे। इसी में हम आपको इंडक्शन कुकटॉप असेंबल करके दिखाएंगे। ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप का नीचे का हिस्सा है जहाँ पे है बस फैन का है, और यहाँ का पीसीबी का। अब हम आपको 1x1 करके असेंबल करके बताएंगे। सबसे पहले मैं पीसीबी को माउंट करूंगा। यहाँ पर पीसीबी आएगा सर्किट मतलब, उसको माउंट करके दिखाता हूँ एक बार। इसमें हमारा पीसीबी लग चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सप्लाई, जहाँ से सप्लाई देते हैं वहाँ का वायर को कनेक्ट करते हैं जो कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं न्यूट्रल और लाइफ में, इसको हम न्यूट्रल और फेस भी बोलते हैं। वहाँ के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल और फेस का लाइन को लगा लिए हैं। अब इसके बाद फैन को लगाएंगे। ये मैंने फैन को माउंट कर लिया है, इसको लगा लिए, आप देख सकते हैं फैन। अब इसका जैक को लगा लेते हैं। ये हमारा फैन का जैक है। ये हमारा फैन का जैक लग गया है। साथ ही इसका स्क्रू को लगा लेता हूं, उसके बाद देखते हैं। मैंने इसमें दो चीज लगा लिया है, मेन चीज पीसीबी और
फैन। इसके बाद हम क्वाइल को लगाएंगे। यहाँ क्वाइल का इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट में स्क्रू लगाएंगे और जो टॉप सेंसर है वो 5 वोल्ट के जैक में लगाएंगे। उसका कनेक्शन मैंने क्वाइल के इनपुट पॉइंट और आउटपुट पॉइंट में क्वाइल को लगा लिया है। अब टॉप सेंसर के जैक को लगाएंगे। ये हमारा इसका जैक है जो कि 5 वोल्ट में काम करता है और ये 100K का NTC है, 100 किलो ओम का NTC है जो कि यह टॉप सेंसर है। ये मैंने क्वाइल को लगा लिया है और इसको आप स्क्रू लगाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को लगाएंगे। ये मैंने क्वाइल को अच्छा से लगा लिया है स्क्रू लगाकर। आप इसके बाद कंट्रोल पैनल डिस्प्ले को लगाएंगे। ये मैंने कंट्रोल पैनल डिस्प्ले को का कनेक्टर लगा लिया है। अब बारी इसका चेक करने के लिए और टेस्ट करने की बारी है, तो हम एक बार चेक का और टेस्ट कर लेते हैं। अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, चेक करके। अब स्विच को ऑन करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया। अब ऑन करते हैं, सेलेक्ट हो गया है। आप जब तक बर्तन नहीं रखेंगे तब तक E0 दिखाते रहेगा। ये बर्तन सेंस करने का, ये मैंने बर्तन रख लिया है तो ये 1800 में सेलेक्ट हो गया है। अब ये धीरे धीरे पानी गर्म होगा पॉट। थोड़ा देर देख लेते हैं, इसमें सब बटन काम कर रहे हैं। इसको काम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। यह 1800 तक अधिक है और इसमें आप ऑप्शन फंक्शन देख सकते हैं। बॉइल, ये हमारा गर्म होने लगा है। आप इसको बंद कर लेते हैं। आप चेक करके देख सकते, चेक कर लिए, ऑफ हो गया। आप इंडक्शन कुकटॉप के रिपेयर के वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा टेक चैनल मनीष कुमार चंद्रा यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। और इस इंडक्शन के सर्किट का थ्योरी वीडियो देखना चाहते हो तो, और इसका सर्किट डायग्राम और एरर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा ही टेक चैनल मनीष कुमार चंद्रा यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही पता चले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें। और आपके लिए
अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूंगा यूट्यूब पर।